है रास्ता भी गुम है मंजिल भी गुम जमी आसमां सब दिशाओं के जाने कब से है खोए सारे निशान छाया हुआ है एक धुआं धुंधला सा है सारा समा आदित्य, अगर तुमने रघुवेंद्र शेखावत बन्ना की बेटी से शादी नहीं की तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। डैड, आदित्य ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि घर पहुंचते ही मुझे फोन करेगा, अपडेट करेगा। फोन करना तो दूर, वो मेरा फोन तक नहीं उठा रहा है। हे भगवान, ये कैसा अपशगुन हुआ है? गांठ का खुलना तो बड़ा बुरा होता है। देखना, ये शादी ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी। इस शादी की रक्षा तो भगवान खाटू श्याम ही करे। अरे, मैंने तो सुना है इस तरह गांठ टूटने से दोनों में से किसी एक की जान चली जाती है। अब तो भगवान ही बचाए इनको। अरे, पर ये गांठ खुली कैसे? बांधी किसने थी? चुप रहिए आप लोग। ये आज के जमाने में इस तरह की बातों का क्या मतलब है? ये शगुन अपशगुन क्या होता है? अरे, गांठ खुल गई है महज एक संजोग। होता है, ऐसा होता है। इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? गांठ तो मैंने पक्की बांधी थी। अरे अनुपमा बेटा, घबराओ मत। तुम भी कहां इन औरतों की दकेनुसी बातों में आ गई। चलो गठबंधन दोबारा बांध दो। महामहे शंकर चक्र गदास्ते महालक्ष्मी नमस्ते गरुडारुडे कोला। चलिए अब फेरे संपन्न हुए। हुकुम, जब तक विदाई की तैयारियां हो रही है, हमने आप लोगों के लिए कालबेलिया नृत्य का आयोजन किया है। आइए चलिए। I'm
आदित्य संभालो अपने आप को, अब इस तरह परेशान होने से कोई फायदा नहीं। हमने बहुत बड़ी गलती की है दीदी, हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। वहां निधि हमारा इंतजार कर रही हो या हमने किसी और से शादी कर ली? हमने निधि को धोखा दिया है। तुमने कोई धोखा नहीं दिया आदित्य, तुमने सिर्फ हालात से समझौता किया। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आई, तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी क्यों? तुम मना भी तो कर सकते थे ना। दीदी अगर हम मना करते तो बाबा साहब की जान ले लेते और उनकी मौत की जिम्मेदार हम होते, सिर्फ और सिर्फ हम। दीदी आप ही बताओ, बाबा साहब की मौत का बोझ लेकर क्या हम जी पाते? हमें तो ऐसा लगता है जैसे हम नियति के गुलाम हैं। जो हमारी नियति है हमें वही करना पड़ेगा। आदित्य जो होना था सो हो चुका है, अब इसको बदला नहीं जा सकता है। चलो यहाँ से, वरना ठाकुर चाचा परेशान होंगे। चलो आदित्य चलो। अच्छा रानी साहब अब हम चलते हैं। अरे अभी कहाँ जा रही हो, अभी तो विदाई बाकी है। गांव में दूसरी भी शादी है, वहाँ जाना भी जरूरी है। अच्छा कल आके अपना नेक ले जाना। जी हुकम, कोई कमी तो नहीं रह गई ना? वैसे हमारी हैसियत के हिसाब से हमने पूरी कोशिश की है, कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं नहीं भैरव सिंह, कोई कसर नहीं छोड़ी और ना ही कोई कमी है। पर हाँ एक बात का खास ख्याल रखना, रेंजर साहब और डॉक्टर बाबू हमारे खास मेहमान हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। जी हुकुम। क्योंकि वो खास तौर पे मेरे बुलावे पे आए हैं। जी हुकुम। भैरव सिंह, ए भैरव सिंह। क्या है बेटा? दुल्हन तैयार है। तो मैं क्या करूं? आज तो कम से कम चल के उसे आशीर्वाद दे दे। भांजी है तेरी, विदा होके अपने घर जा रही है आज। अरे ऐसी मनहूस भांजी को क्या आशीर्वाद दूं? पैदा होने के पहले अपने बाप को खा गई और पैदा होने के 5 दिन में अपनी माँ को खा गई। और तो और जो मामा उसे पालने पोसने अपने घर लेके आया उसकी जोरू याने अपनी मामी को भी खा गई। बेटा लेकिन कम से कम चल के मिल तो ले एक बार उससे। अरे क्या मिलना और क्या आशीर्वाद देना। चौधरी साहब अब आप ही समझाइए कुछ इसे। भैरव सिंह जाओ और जाकर बच्ची को आशीर्वाद दो। जी हुकम, मैं अभी गया और अभी आया। चल भैरव सिंह। बैठ जा, बैठ बैठ। देख छोरी, तेरे लिए मेरे से जो भी कुछ बन पड़ा वो मैंने किया, बस तू ससुराल जाके मेरी नाक मत कटवा देना। वना साहब बहुत गुस्से वाले आदमी है, बहुत पैसे वाले है ना वो, इसलिए तू उनका पूरा ख्याल रखना, कोई शिकायत का मौका मत देना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
मसा, पूरी कोशिश करेंगे कि ससुराल से आपको कोई शिकायत का मौका ना मिले। हाँ, तेरे लिए यही अच्छा। अरे चलो चलो, बारात आ गई। बारात आ गई? मैं जरा बारात का इंतजाम देखता हूँ। कोई भी काम ठीक से नहीं करती है। भूल हो गई मामा सर। अरे भूल तो मुझसे हुई थी, जो तेरे माँ बाप के मरने के बाद तुझे पालने पोसने अपने घर ले आया। भाग फूट गए थे मेरे। सखी, तुम तो जानती हो ना, बचपन से लेके अब तक हम अपने सारे दुख दर्द तुम्हारे साथ बांटते आए। आज हम चले जाएंगे सखी, और हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। पता नहीं वहां ससुराल में हमें तुम जैसी कोई सखी मिलेगी या नहीं, पर हम तुमसे मिलने जरूर आएंगे, क्योंकि तुम्हारे अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं। तुम्हें याद है सखी, उस दिन जब मामा साह ने हमें खूब डांटा था तो हम तुम्हारे पास आके कितना रोए थे। कोई भी काम ठीक से नहीं करती है। सारा खाना बिखेर दिया। तेरा बाप कोई अनाज के गोदाम नहीं भर के गया था जो बर्बाद किए जा रही है। भूल हो गई मामा साहब, हम अभी खाना फिर से बना देते। अरे भूल तो मुझसे हुई थी, जो तेरे माँ बाप के मरने के बाद तुझे पालने पोसने अपने घर ले आया। भाग फूट गए थे मेरे। पता नहीं मेरे प्राण क्यों छोड़ रखे। अरे मुझे भी निकल जा। अब आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है, उठा इसको। भगवान मुक्ति दे मुझे। अरे इसका तो कुछ नहीं होगा, मैं ही कहीं नदी में जाकर डूब जाता हूं। अब खाने को क्या है? अभी हम बना देते मामा साहब। नाश कर दिया मेरे जीवन का कल मुही। कहाँ मर गई? अरे खाना नहीं मिलेगा क्या आज? अभी ला रही हूँ मामा साहब। अब क्या माथे पे ही खड़ी रहेगी? जा पानी लेके आ। जी।
दूसरा लोटा नहीं है घर में? भैरव सिंह, अरे ओ भैरव सिंह। पंडित जी आया आया। वो पेड़ कभी फल ना दे पंडित जी, जिस पेड़ की छाँव में ये छोरी झूला झूल ले, पता नहीं मेरा क्या होगा। तेरी भांजी मंगली है भैरव सिंह, मंगली। अरे उसमें ऐसा कोई गुण ही नहीं कि उसके हाथ पीले हो। बड़ी मुश्किल से एक जगह बात चलाई है, समझ ले तेरे सारे कष्टों का निवारण हो गया। अच्छा, छोरा कहाँ का है? छोरा? अरे कूड़ा ढोने के लिए तुझे राजकुमार चाहिए? भैरव सिंह समझ लेना, तू गंगा ना आया जो ये इस घर से गई तो। मुझे तेरी चिंता है, ऐसी जगह बात चलाई है कि तेरी भांजी भूखी नहीं रहेगी और तू जिंदगी भर दुआएं देगा मुझे। मेरी बात ध्यान से सुन। पंडित जी, अरे अंधा मांगे लाठी, आपने तो आंखें ही दान कर दी। सखी, हम क्या करें, हमारी कुछ समझ में नहीं आता है। हम जितनी कोशिश करते कि मामा साहब को खुश रखें, घर के सारे काम ठीक करें, उन्हें शिकायत का कोई मौका ना दें, उतने ही सारे काम उल्टे पड़ जाते। चलो पवित्र रानी, बारात आ गई है। पंडित जी बुला रहे हैं। तुम लड़कियों को तो ना हमेशा बस छिठोली ही सूझती रहती है। जरा एक बार देख तो लूं मैं इसे अच्छे से, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, नजर ना लगे मेरी लाड़ो को। बहुत सुंदर दिख रही है, लो अब ले जाओ इसे मंडप में। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करोत्पजा। हे लड़की, आज से तू हमारी दुल्हन, चल। खातिरदारी में हमसे कोई कमी रह गई हो या अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ करना। कैसी बात कर रहे हैं ठाकुर साहब, माफी मांगकर आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। बेटी, आज से तेरा ससुराल ही तेरा घर है। खूब मन लगाकर अपने ससुराल वालों की सेवा करना। राघवेंद्र शेखावत के नाम पर कभी दाग मत लगने देना। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करोत्पजा।
कामाक्ष मंगलाय तन्नो हरि। अरे पंडित जल्दी करो, हमें नींद आ रही है। बस हम सो गए ना तो फेरे वेरे नहीं हो पाएंगे। अरे थोड़ी देर बन्ना जी, बस हो ही गया है। तदेव लग्नम सुजनम तदेव तारा बलम जन्म बलम तदेव विद्या बलम देव बलम तदेव लक्ष्मी पते देवनदा स्मरामि। गठबंधन बांधिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि। यार पंडित तुम नहीं मानोगे, हमें नहीं लेना फेरे वेरे। हे लड़की, आज से तू हमारी दुल्हन। चल ऐसे ही चल हमारे साथ। अरे बन्ना जी ऐसा गजब मत करो, फेरे तो हो जाने दो, बस थोड़ी देर की तो बात है। अरे यार ये पंडित देर क्यों लगा रहा है? तो पंडित जल्दी कर जल्दी कर। चलिए फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अरे खड़ा करो इनको कोई। संभल के संभल के, आराम से बेटा आराम से। सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया निधि। हाँ, प्यार मुझसे और शादी किसी और से। क्यों आदित्य, क्यों किया तुमने मेरे साथ इतना बड़ा मजाक? निधि मेरा छोड़ आदित्य।